सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सवसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वंदित्तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमंगलिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड नमो सुदकेवलीभणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम छठवीं सातवीं गाथा के आधार से जिस आत्मस्वरूप के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है ऐसे आत्मस्वरूप का वर्णन इन दो गाथाओं में टीका में जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ से गुरुदेव श्री के उद्धरण से और उस आधार से जो डॉक्टर साहब ने प्रश्नोत्तर लिखे हैं उनके माध्यम से विस्तार से चर्चा कर ली है। ऐसा एक प्रकरण 49वीं गाथा में अव्यक्त के बोल में आता है। चित सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां अंतर्मग्न होने से अव्यक्त है, तो चित सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां, तो जितनी परिणमित होने वाली पर्यायें हैं वे सब व्यक्तियां हैं और वे सब उसमें अंतर्मग्न हैं, अंतर्मग्न हैं इसलिए वह अव्यक्त हैं। वहाँ भी गुरुदेव श्री ने यही विषय लिया, भूत और भविष्य की पर्यायें अंतर्मग्न हैं वर्तमान की नहीं हैं। भूत और भविष्य की तो पारिणामिक भाव रूप हो चुकी है और वर्तमान की जो आत्मा का लक्ष्य करने वाली है वह औपशमिक क्षायोपशमिक क्षायिक भाव रूप है, पारिणामिक भाव रूप नहीं है, वो कैसे उसमें शामिल हो सकती है। हमारा जो दृष्टि का विषय रूप द्रव्य है वह पारिणामिक भाव रूप है और ये वर्तमान की व्यक्त पर्यायें औपशमिक क्षायोपशमिक क्षायिक भाव रूप है, औदयिक तो लक्ष्य करता नहीं है इसलिए उसकी बात नहीं है। वहां भी यही उत्तर दिया गया, डॉक्टर साहब ने उस पर फिर जो अनुशीलन लिखा उसमें प्रश्न को भी पुनः विस्तार से खड़ा किया। यदि वर्तमान पर्याय को अलग निकाल लेते हैं तो फिर भूत भविष्य तो आ गया, वर्तमान नहीं आया, तो दो खंडों में विभक्त हो गया वर्तमान को उसमें से अलग करने से। जबकि अपन त्रिकाली कहते हैं तो त्रिकाली कहने में तीनों काल आना चाहिए ना, तो वर्तमान कहाँ आया। वर्तमान पर्याय के दो अंश है, मैंने वर्तमान पर्याय को दो तरह से देखना है, मैंने काफ़ी दृष्टांतों से आपको स्पष्ट भी किया था। एक उसका व्यक्त अंश है और एक वह अनुस्यूत है, ऐसा नहीं है कि वह उससे पृथक हो करके हैं, तो उसे अनुस्यूत रूप से देखा जाए वो पारिणामिक भाव रूप है। पारिणामिक भाव त्रिकाल है ना,
तो वर्तमान में भी तो है, जब वह पर्याय व्यक्त हो रही है उस समय भी वह अनुस्यूत है, तो इसलिए उस अनुस्यूति को देखना है। तो वर्तमान व्यक्त होते हुए भी अनुस्यूति का अंश है, अनुस्यूति से जुड़ा हुआ है, अनुस्यूति से अलग नहीं है। अब हम उसकी व्यक्तता को देखते हैं या वह अनुस्यूत है इसे देखते हैं। तो जब हम द्रव्य स्वभाव को मुख्य कर रहे हैं तो उसकी व्यक्तता नहीं दिखती है, उसे अनुस्यूति दिखती है, प्रवाह रूप से दिखता है। इसलिए पृथक होकर के वो वर्तमान पृथक होने पर भी उधर की अखंडता टूटती नहीं है। डेकोरेशन में सीरीज लगाते हैं ना, बल्ब लगे रहते हैं उसमें, अब उस बल्ब में ऐसा एक 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 एक, एक बल्ब जलता जाता है, एक जलेगा बाकी सब बंद है, बाकी सभी बंद है। उस समय वास्तव में बिजली का प्रवाह उन सब में है कि नहीं है? सभी में बिजली का प्रवाह, और वो तो जो भी उसके दो एसी डीसी और क्या होते दोनों, और जब दो जुड़ते हैं तभी वो बल्ब जलता है, स्विच के माध्यम से जुड़ान होता है और तब जलता है, लेकिन धारा तो बराबर चल रही है। अब वो जहाँ आया जिस पर वो बल्ब जला, अब वो जो बल्ब जिस समय जल रहा है उस समय वो सीरीज का हिस्सा है कि नहीं है? सीरीज का हिस्सा है भी और नहीं भी है। सीरीज का हिस्सा है यदि सर्वथा कहते हो तो फिर बाकी सब नहीं जल रहे हैं तो उसे भी नहीं जलना चाहिए, जबकि वो जल रहा है, इसका मतलब वो अलग हैं। यदि अलग है तो उसे वो जो सीरीज से जुड़ा है ना उसे अलग रख दो, अब फिर वो जले कैसे जल सकता है, वो जलेगा नहीं, इसका मतलब उसका हिस्सा भी है। तो इसलिए उसके वो व्यक्तता, वो जल रहा है इतनी तरफ से देखोगे तो उनसे अलग हैं, और वो जल कैसे रहा है क्योंकि वो उससे बराबर जुड़ा हुआ है उनमें से, तो वो उधर से देखोगे लगातार पने से तो उसका अंश है, उसी का है। इस तरह ये दोनों रूप उसके वर्तमान के हैं, इसलिए वर्तमान व्यक्त होकर के द्रव्य का लक्ष्य करे, द्रव्य का आश्रय करे, इस कारण से द्रव्य खंडित भी नहीं होता है, और वर्तमान पर्याय अलग होकर के जो अपना कार्य करना है वो बराबर कर लेती है। चित सामान्य की समस्त व्यक्तियां अंतर्मग्न है, तो वहाँ गुरुदेव का अभिप्राय मुख्य रूप से कहते भूत और भविष्य की, जो अंतर्मग्न हो चुकी है। समस्त व्यक्तियां अव्यक्त कह रहे हैं ना, यदि अव्यक्त है तो वर्तमान की व्यक्त है वो उसमें कैसे शामिल हो जाएगी, इसलिए वो तो नहीं है। तो उसका व्यक्त पना नहीं है लेकिन वह अनुस्यूत है, वो अनुस्यूत पना तो उसका शामिल है। तो अनुस्यूति की तरफ से देखा जाए, द्रव्य स्वभाव अनुस्यूति को देखता है, इसलिए इसमें कोई बाधा नहीं आती है। इसको आप और वहाँ से भी देखें तो इसकी पुष्टि वहाँ से होगी, वहाँ पर जाकर के ये संकेत भी दे दिया कि इसकी विस्तार से चर्चा सात्विक गाथा में कर आए हैं। तो अब आप इस दृष्टि से यहाँ से वहाँ दोनों प्रकरणों को देखते हुए दोनों का मेल बराबर कर लेना। दो प्रश्न आए हैं, वर्तमान पर्याय अलग है या नहीं, इस विचार की क्या आवश्यकता है, क्योंकि अनुभव के काल में द्रव्य पर्याय तन्मय है, एकमेक है, यह द्रव्य और यह वर्तमान पर्याय ऐसा विकल्प ही नहीं है, हो सकता है यह विकल्प अनुभव में बाधक हो। यदि ये प्रश्न खड़ा किया तो हो सकता है वहाँ बाधा आ जाए, इसलिए मैंने विस्तार से कहा था जो
इसके विस्तार में जा चुके हैं, द्रव्यगुण पर्याय से पूरी वस्तु समझ रहे हैं, उन्हें द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक निश्चय व्यवहार परम शुद्ध निश्चय ने ये ऐसा वस्तु स्वरूप जो समझ रहे हैं, तो हमें किसका लक्ष्य करना, किसका आश्रय करना, कि जो कूटस्थ नित्य एक रूप त्रिकाल रहने वाला उसका आश्रय करना। तो उसका आश्रय यदि कूटस्थ त्रिकाल नित्य आश्रय करना माने क्या, ये मैं हूँ। यदि ये मैं हूँ तो मैं तो कूटस्थ हो गया, तो कूटस्थ हो गया तो करेगा कौन कार्य, ये शंका खड़ी हो सकती है। यानी वर्तमान निरंतर परिणमित होने वाली पर्याय हैं वो एक, अभी जो परसन्मुख हो रही है जिसके कारण आकुलता व्याकुलता हो रही है, वे ही परसन्मुखता छोड़कर स्वसन्मुख होंगी। तो जब ये इस पर विचार जाएगा तो फिर समाधान भी निकालना जरूरी है। तत्चानेशन काले, तत्व अन्वेषण के काल में ये सब चलेगा, वह वो चलेगा, ये सब अन्वेषण के काल में चलता है, और अनुभव के काल में ये सहज शांत हो जाता है। शांत उसका ही होता है जिसे बहुत अच्छी तरह से निर्णय हो जाता है। निर्णय में यदि थोड़ी बहुत भी कचास रह गई, गुंजाइश रह गई, कमी रह गई कि संशय रह गया, तो फिर वो जो बात अस्पष्ट रह गई ना, वो विकल्प उत्पन्न करती जाती है। इसलिए तत्व अन्वेषण के काल में बहुत अच्छी तरह से कर लेना। हलवा बनाने का उदाहरण देते हैं ना, बहुत बढ़िया हलवा बनाना है ना, तो पहले कौन सी चीज़ कहाँ से लानी, बढ़िया से बढ़िया सब लेकर के आओ, विधि भी बहुत अच्छी तरह से समझ लो और उस विधि से बना लो। बना करके सामने आ गया, अब क्या करो, बस स्वाद लो, आनंद लो, अब इसमें मत पूछो कौन सी चीज़ कहाँ से आई थी, कितनी मेहनत से लाए थे, क्या किया था, कोई नहीं। जिसने किया उसे पता है, जिसने कुछ नहीं किया वो खा रहा है और खाते हुए बढ़िया आनंद आया, और उसने पूछा कि बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है, इसमें लगता है कोई खास चीज़ आपने डाली है, वो कहाँ से लेकर के आए। तो कभी कभी सामने वाला कहता है आपको आम खाने से मतलब, पेड़ गिनने से क्या लेना देना है, आप तो मजा लो, कहाँ से आया क्या आया इससे क्या लेना देना। वो जब प्रश्न खड़ा कर रहा है उस समय उसे आनंद नहीं आएगा, और कहता हाँ ठीक है हमें क्या लेना देना, बढ़िया लग रहा है स्वाद ले लो। उसे भी उसे बीच में चित्त में विकल्प खड़ा हो गया, उस समय आनंद नहीं आ रहा है, और विकल्प छोड़ करके ले तो आनंद आता है। जिसने किया है उसे भी उस समय ये विकल्प खड़े हो जाए, इतनी मैंने मेहनत की, ऐसा किया, ये किया, आनंद नहीं आएगा, और सब छोड़ करके बिल्कुल निश्चिंत होकर के आनंद मात्र ले रहा है तो बस आनंद आता है। तो किया उसने सभी, अब वहाँ वो दोनों तरह के हैं, जो सीधा खा रहा है उसे कोई लेना देना नहीं, कदाचित विकल्प भी हो गया और ये कह दिया क्या लेना देना तुमको, छोड़ करके आराम से लेता है आनंद। लेकिन जिसने बनाया है एक एक बारीकी से, उसे सब ख्याल में है, ख्याल में होते हुए भी आनंद लेते समय उस सब को गौण कर देता है, विस्मृत कर देता है बिल्कुल, और सिर्फ आनंद लेता है। ये उत्तर दूसरे प्रश्न का भी हो गया। देह से विकार से भिन्न आत्मस्वरूप का विचार पूर्वक निर्णय व श्रद्धान करने वाले को भी सम्यक दर्शन हो ही जाता है, तब इस विस्तार से क्या लाभ। कहीं अनुभव के अभ्यास के काल में इसका विचार अनुभव में बाधक तो नहीं होता है। कभी कभी जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, वो ज़्यादा उलझता है, व्यापार धंधे में भी होता है कभी कभी, वो ज़्यादा पढ़ लिख करके आ जाए तो ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, और ये सोचते ही सोचता रह जाता है और करता कुछ नहीं है, और वो कहीं से कुछ भी विदेश जा करके कुछ पढ़ करके आया,
अब विदेश की स्थितियाँ अलग होंगी और यहाँ गांव की स्थितियाँ अलग होंगी। अब उस गांव में उसे करना है व्यापार धंधा जो कुछ भी करना है, तो गांव में जैसा चलता होगा वो वैसे ही तो उसे करना पड़ेगा। वो वहाँ पढ़ा हुआ यहाँ काम नहीं आएगा, और वो बिना पढ़ा लिखा घर में कहीं गया नहीं, वो भाई वो बढ़िया व्यापार करता है और बहुत अच्छी कमाई कर लेता है, तो पिताजी क्या कहेंगे? ठीक है तू पढ़ लिख कर के आया, तू अपने वहाँ रख और जैसा यहाँ जैसा चलता है वैसा कर ले। तो उसे भले ही बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन वहाँ जैसा चल रहा है उस समय वो उसी के अनुसार करना पड़ेगा। ऐसे जिसने समझ लिया, भले ही समझ लिया है लेकिन समझते समय अनुभव के काल में यदि विकल्प आ रहे हैं, इसका मतलब अभी समझ में कहीं ना कहीं कुछ बाकी रह गया है, तो वापस चले जाओ। इसका मतलब अभी समझने की स्थिति में है, अनुभव की स्थिति में नहीं आया है, समझ में कुछ कमी रह गई है। तो वो जिसने सचमुच अच्छी तरह से स्वरूप समझ करके निर्णय कर लिया उसे वो बाधक नहीं बनेंगे विकल्प। और ये तो है, आवश्यकता नहीं है इतनी, इतने मात्र से हो सकता है, लेकिन अन्यत्र जो उपयोग बहुत लगा रहा हो बारीकी से और यहाँ लगाने के लिए मना, हमें क्या लेना देना, बस हम तो देह से बिना आत्मा का चिंतन कर लेंगे और हो जाएगा काम हमारा। निश्चयवासी में लिया टोडरमल जी ने इसे बहुत, जो विस्तार में जाने को निरर्थक कहता है उसको काफ़ी समझाने का प्रयास किया है। वो निश्चयाभास वाला प्रश्न खड़ा होगा, लोक में तो सब करता है और यहाँ बहाने बनाता है, तो है बुद्धि तो यहाँ भी, ये अपना आत्म स्वरूप है, स्वयं का है, इसमें लगाना जरूरी है। है तो, और जैसे है ना इतना, तो उसके संदर्भ में विकल्प इतने चलते रहेंगे तेजी से, पर के संदर्भ में अब वे चल रहे हैं ना, तो उसके लिए स्व का विषय देना पड़ेगा। हाँ, जिसे बुद्धि नहीं है तो उसे वो अन्यत्र के विकल्प भी ज़्यादा नहीं चलने वाले हैं, तो उसको इतने मात्र से हो सकेगा। अब जैसे है विशेष, अविशेष विशेष निकालने की, बाल की खाल निकालने की आदत है बाहर में, अब यहाँ वैसा इतना करके, हाँ इतना कर लिया अभी, लेकिन उसकी चिंतन की सामर्थ्य, उसका क्षोभक्षम ऐसा है कि बहुत तेजी से विषयों को ग्रहण करता है, इतना कर लिया ना कुछ नहीं होगा, वो पर पदार्थों का चिंतन तेजी से करने लगेगा, पर में जाएगा, वो वहाँ से हटाना जरूरी है उसे, तो वो उसके लिए ये विषय, पर की जगह ये विषय देना जरूरी है उसके लिए। टोडरमल जी ने अनुयोगों के संदर्भ में बात करते हुए ये चर्चा विस्तार से ली है, वहाँ लिया सम्यक तो प्राप्त करने से पहले जिनवाणी का अध्ययन कैसे जरूरी है और सम्यक तो प्राप्त होने के बाद भी जरूरी है, कर्णानुयोग का विस्तार भी, इन सबको लिया, कर्म की भेद प्रभेदों की, तीन लोक की रचना, इन सबको, बुद्धि है तो इन सबको लगाना, न्याय व्याकरण आदि का भी थोड़ा बहुत अभ्यास चाहिए, थोड़ा बहुत अभ्यास चाहिए पूरा, अभी सातवें पे चल रहे ना, आठवां पढ़ना ध्यान से, बहुत संतुलित, अपना है तो उपयोग करना, नहीं है तो चल जाएगा काम। खिलौने की कीमत कितनी, खिलौने की कीमत कितनी, बच्चे को 10 रुपए में मिले, बड़े को 100 रुपए में भी नहीं मिले, वो बच्चे को 10 रुपए में क्यों मिली, वो खिलौना क्यों मिला, उसकी कीमत कितनी है, ये सर्वस्व समर्पण की है, कीमत क्या है ये मत पूछो, वो सर्वस्व समर्पण, तो उसके पास उतना था उसने पूरा समर्पित कर दिया, जिसके पास बहुत है उसे बहुत समर्पित करना पड़ेगा। तो हम अन्यत्र उलझाते हैं, यदि उपयोग में इतना विस्तार समझने का है तो उसे समझना पड़ेगा, इसलिए कि वो हट करके ये स्वरूप वहाँ आ जाए, तो उसकी पर सन्मुक्ता हटके स्व सन्मुक्ता आने के लिए आवश्यक है। आठवीं गाथा की चर्चा अपन आगे प्रारंभ करते हैं।
उत्थान निकाय आठवीं गाथा की, तरही परमार्थ एव एको वक्तव्या इति चेत। आपने तो सारे व्यवहारों का निषेध कर दिया, असद्भूत नहीं रहने दिया, सद्भूत में पर्यायों को भी अलग कर दिया, गुणभेद को भी अलग कर दिया। तो जब सब उपचरित अनुपचरित सद्भूत सब प्रकार के व्यवहारों का निषेध, वह जिनका निषेध ही करना है तो फिर उनके कथन करने की आवश्यकता क्या है? तो फिर परमार्थ एव एको वक्तव्य, परमार्थ अकेला एक का ही कथन करना चाहिए था, व्यवहार का कथन ही नहीं करना चाहिए था। प्रश्न कैसा पूछा? ऐसा पूछना चाहिए था ना, फिर व्यवहार की क्या उपयोगिता है, ऐसा नहीं करके तो फिर परमार्थ ही एक कहना चाहिए था ना। भाषा भाषा के लिए किया उसको मैंने, ऐसे वो सीधा सीधा क्यों पूछा जाए? अमृतचंद्र आचार्य जैसे आचार्य लिख रहे हैं तो सीधे सीधे क्यों लिखेंगे? तर ही परमार्थ एव एको वक्तव्य, अकेले परमार्थ ही कहना चाहिए था, व्यवहार का कथन जिनवाणी में किया ही क्यों है, ये प्रश्न है। तो और सीधा इसका उत्तर जो दिया जाएगा, व्यवहार की उपयोगिता क्या है, व्यवहार की आवश्यकता क्या है, ये उत्तर आएगा। बोलिए, गाथा ख्याल में है सबको वैसे तो, बोलिए। ने अधिकार आगे पीछे इधर उधर विषय करके पढ़ा, जीव जीव अधिकार पहले कर लिया, फिर 19 से आगे कर लिया, अब यहाँ आए हैं और ऐसा काल प्रत्याशक्ति बैठ गई है कि नए चक्र में भी निश्चय व्यवहार पढ़ रहे हो, मोक्षमा प्रकाशक में भी यही प्रकरण चल रहा है और यहाँ समय सार में भी यही प्रकरण आया, यही बिल्कुल हो गया मोक्षार प्रकाशक में, आगे बढ़ गए अब तो। वहाँ क्या उपयोगिता व्यवहार की, दृष्टांत सहित कहते हैं। मेरे ख्याल से गाथाओं में सबसे पहले दृष्टांत आया ना, सबसे पहले सातवीं आठवीं गाथा में जह, इसलिए जहाँ भी दृष्टांत देंगे वहाँ जह, जह माने जैसे। नवी सक्कम, शक्य नहीं है, क्या शक्य नहीं है? अनजहा अनज भाषम विना दुगाहे दुम, कोई अनार्य है उसे अनार्य भाषा के बिना गाहे दुम माने समझाना, माने किसी अनार्य को अनार्य भाषा के बिना समझाना अशक्य है। अनार्य क्या होता है, आर्य क्या होता है? आर्या म्लेच्छाश्च, मनुष्य दो तरह के, आर्य और म्लेच्छ। तो ये मोटे तौर पर ऐसा जो अपना विभाजन है जिनवाणी का, आर्य और म्लेच्छ का, वैसा यहाँ नहीं है। यहाँ तो लौकिक दृष्टि से उदाहरण लिया, इसलिए यहाँ आर्य है ब्राह्मण और बाकी अनार्य। आर्य है वे जिन्हें संस्कृत भाषा आती है वे आर्य, और जिन्हें संस्कृत नहीं आती है वे समझ लो अनार्य है, या अनार्य है वे संस्कृत पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। कालिदास ने भी अपने नाटकों में जो उच्च कुलीन है राजा वगैरह उनकी भाषा संस्कृत रखी, और जो दासी है निम्न भृत्य है नौकर चाकर है उनकी भाषा प्राकृत रखी, माने वे संस्कृत नहीं समझते हों, तो उनको यहाँ पर समझ लो अनार्य कहा गया। यहाँ सीधा अर्थ लेना है जिसे संस्कृत भाषा नहीं आती वो अनार्य। और अपन अभी यहाँ बात करें, भारतीय अपन जितने वो आर्य कहलाते हैं और जितने विदेशी है वह सब हमारे लिए
अनार्य है। अब कोई अनार्य यहाँ आ जाए, अब उसे हम आर्य भाषा अपनी जो है उससे बात करना चाहे, समझाना चाहे, तो उसे नहीं समझा सकते। तो जहर्णवी सक्कम अनज्जो, अनज्जो अनार्यः, कोई अनार्य है वह अनज्ज भाषम विनादु गाहे दुम न सक्कम, उस अनार्य भाषा उसे अनार्य भाषा के बिना गाहे दुम ग्रहण कराना, अपनी बात समझाना असक्कम न सक्कम शक्य नहीं है। वो वैसे ही तह व्यवहारेन विना परमत्थ उपदेशनम असक्कम, वैसे ही परमत्थ उपदेशनम जो परमार्थ का उपदेश है, बताना तो परमार्थ को है, जो वस्तु स्वरूप मूल है उसे ही बताना है, लेकिन वह व्यवहारेण विना असक्कम, व्यवहार के बिना अशक्य है। बहुत अच्छा दृष्टांत को अमृतचंद्र आचार्य पूरा सांग रूपक घटित करने वाले हैं, और उसी अनुसार सिद्धांत को भी, परमार्थ को व्यवहार के बिना कैसे नहीं समझाया जा सकता, उसे पूरा उस पर घटित करने वाले हैं। देखिए टीका, इसमें और कुछ विशेष चर्चा की आवश्यकता नहीं है। यथा खलु म्लेच्छः स्वस्ति इति अभिहिते सति तथाविद वाच्यवाचक संबंध अवबोध बहिष्कृतत्वात् न किंचिदपि प्रतिपद्यमानः मेष इव अनिमेष उन्मेषित चक्षु प्रेक्षत एव। एक दृश्य पूरा हुआ नाटक का, एक दृश्य हुआ पूरा, क्या हुआ? यथा खलु म्लेच्छः, किसी म्लेच्छ को, जो अनार्य कहा था या म्लेच्छ ले लिया उसका, किसी म्लेच्छ को स्वस्ति इति अभिहिते सति, किसी ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, लोक में अब तो घट गया होगा लेकिन गांवों में अभी भी हो सकता है, कोई भी चल रहा हो ब्राह्मण और कोई उससे निम्न जाति का जा रहा हो तो वो हमेशा उसे प्रणाम करेगा, आशीर्वाद मांगेगा उससे, क्योंकि ब्राह्मण को देवता समझते हैं, भगवान जैसा मानते हैं, तो उसे वो आशीर्वाद मांगता है। अब वो किसी ब्राह्मण ने उस म्लेच्छ को आशीर्वाद दिया स्वस्ति, स्वस्ति इति अभिहिते सति, स्वस्ति ऐसा कहने पर, अभिहिते सति ऐसा कहे जाने पर, तो म्लेच्छ को स्वस्ति ऐसा कहा गया तो क्या हुआ? तथा विद वाच्यवाचक संबंध अवबोध बहिष्कृतत्वात्, वो म्लेच्छ कैसा है, वो जो स्वस्ति शब्द कहा गया है ना, उसके वाच्यवाचक संबंध से वह बहिष्कृत है, संबंध अवबोध, उस संबंध के ज्ञान से बहिष्कृत है, भाषा प्रयोग की बहिष्कृत है, बहिष्कृत है माने किसने बहिष्कृत कर दिया उसे, जात बाहर कर दिया, उसे भाषा नहीं आती इसलिए अपने आप बाहर हो गया वो। स्वस्ति शब्द कहा गया है, ये वाचक है, लेकिन किसका वाच्य है, इसका वाच्य क्या है, इन शब्दों का जिस वाच्य के साथ वाच्यवाचक संबंध है, उस ज्ञान से जो रहित है, बहिष्कृत रहित, तो रहित होने से न किंचिदपि प्रतिपद्यमानः, वो कुछ भी न समझते हुए, प्रतिपद्यमान जो प्रतिपादन किया जाए उसको समझे वह कहलाएगा प्रतिपद्यमान, लेकिन उसे नहीं आया समझ में, तो न किंचिदपि प्रतिपद्यमानः, कुछ भी न समझते हुए, तो क्या किया उसने? मेष इव अनिमेष उन्मेषित चक्षु प्रेक्षत एव, उन्मेषित चक्षु, फिर आंखें नीचे शब्द लिखा, आंखें फाड़ फाड़ करके अने बिल्कुल बिना पलक झपाए, उन्मेषित आंखें खोल करके और अनिमेष बिना पलके झपाए झपकाए, मेष इव प्रेक्षत प्रेक्षते, मेंढे की तरह देखता है, किसी मेंढे को देखा ऐसा देखते हुए क्या? दादा कहते ना घटपट का उदाहरण क्यों देते हैं, ऐसे आचार्य कभी जा रहे होंगे किसी मेंढे को ऐसे देखते हुए देखा होगा, इसलिए कहा मेष इव मेंढे की भांति, और मेंढे की आंखें देखोगे ना
वो बाहर निकली हुई रहती थोड़ी सी बड़ी बड़ी अलग से स्पष्ट दिखाई देगी, औरों की तो अंदर धसी हुई दिखेगी, उसकी अलग से दिखाई देगी। इसलिए जैसे वो किसी को कुछ कहा जाए और समझ में नहीं आए ना, समझ में नहीं आए और समझना चाहता हो, उसके समझने की जिज्ञासा हो, तो उस जिज्ञासा के कारण से क्या कहा। अब वो अंदर की जिज्ञासा बताने की ये पद्धति, मैंने ये समझ ली, उससे ख्याल में आएगा, आंखों से ख्याल में आ जाता है ना, ये क्या चाह रहा है, आश्चर्य व्यक्त कर रहा है, शंका व्यक्त कर रहा है, ये आंखों में से ख्याल में आता है ना। के लिए वो जो जिस तरीके से मेष इव अनिमेष उन्मेषित चक्षु प्रेक्षत एव, तो उसे अंदर अभी जिज्ञासा थी, ये क्या कहा, ये जानना चाहता था, इसलिए आंखें खोलकर बिना पल के झपकाए मेंढे की तरफ देखता ही रहा, प्रेक्षत एव। अब दूसरा दृश्य शुरू होता है, यदा तो स एव तद एतत भाषा संबंध एकार्थज्ञेन अन्नेन तेनैव वा म्लेच्छ भाषां समुदाय स्वस्ति पदस्य अविनाशः भवतः भवतु इति अविधेयं प्रतिपाद्यते। अभी प्रतिपाद्यते, यहाँ तक आते हैं, फिर तीसरा दृश्य लेंगे। अभी दूसरा दृश्य क्या हुआ कि जब स्वस्ति कहा, अब वो आशीर्वाद लेकर के चला जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ऐसा देखते ही खड़ा रह गया। अब देखते ही खड़ा रह गया तो ब्राह्मण को भी लगा कि क्या करना चाहिए, ये जिज्ञासु है, और उसके आँखों में ये प्रश्न तैर रहा है कि आपने क्या कहा, ये समझना चाह रहा है। स्वस्ति ऐसा आपने कह तो दिया लेकिन उसे समझ में नहीं आया है, और वो समझने की जिज्ञासा से खड़ा है। तब यदा तु स एव, जब वही म्लेच्छ तद एतत भाषा संबंध एकार्थज्ञेन, एतत भाषा संबंध एकार्थज्ञेन, वो ऐसा व्यक्ति जो दोनों भाषाओं को जानता है, जो स्वस्ति कहा इसलिए संस्कृत को भी जानता है और उसकी जो भाषा है उसकी भाषा को भी जानता है, तो भाषा संबंध एकार्थज्ञेन, तो दोनों की भाषा को समझने वाला ऐसा जो एक व्यक्ति एकार्थज्ञेन, उसके अन्नेन ते नहीं हुआ, हो सकता है उस ब्राह्मण के साथ उनके शिष्य भी चल रहे हो, तो जो अन्य है वो अन्य भी ऐसा था, वो उसकी भाषा भी जानता था और संस्कृत भी जानता था, मैंने गुरु ने जो कहा वो भी समझता था और शिष्य जिस भाषा में समझ सकता है उसकी भाषा भी समझता था, तो दोनों भाषाओं के एकार्थज्ञ, दोनों को जानने वाले कोई अन्य व्यक्ति हो ते नहीं बाबा, जिसने आशीर्वाद दिया था उसी के द्वारा, उसी वही क्या करे, म्लेच्छ भाषां समुदाय, वो म्लेच्छ भाषा का आधार लेकर के, म्लेच्छ भाषा में स्वस्ति पदस्य, जो स्वस्ति कहा गया था ना, तो उस पद का अस्य अविनाशः भवतु, नहीं पदस्य अविनाशः भवतः भवतु, भवतः अविनाशः भवतु, स्वस्ति का अर्थ क्या कहा कि भवतः आपका अविनाश हो, आशीर्वाद देते ना कोई पैर छुए तो चिरायु हो, और क्या कहते हैं, चिरंजीवतु कहते हैं ना, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान माने बहुत आयु, आयु आपकी बड़ी हो। मैं याद कर रहा था कि पाटनी जी आशीर्वाद देते थे, वो सब याद नहीं आ रहे थे, वो उनके यहाँ उनके परिवार के जो भी आते थे नेमीचंद जी पाटनी, वो उनके यहाँ वो परंपरा थी ढोंक दूँ, जो भी आते थे ढोंक ढोंक कहते हैं, और ढोंक दूँ तो आशीर्वाद में कहते थे, वो शब्द भूल रहा था, ऐसे ही कुछ थे, आयुष्मान हाँ हाँ जुग जुग जियो ऐसा कुछ कहते थे, वो शब्द नहीं याद आ रहे, लेकिन उसमें जो कहा ना
कि आयुष्मान जो भी कहा चिरंजीवतु, उसका तात्पर्य यही तो है कि नाश नहीं हो तुम्हारा। तो अविनाशः भवतु, भवतः आपका अविनाश हो। इसमें वो स्वस्ति में सारी बातें आ गई हैं। अविनाश हो माने मरण नहीं होगा, फिर तो अमर हो जाएंगे कि नहीं, वो आप पूरी आयु, जैसे एक मनुष्य का जीवन 100 वर्ष का है मोटे तौर पर, तो आप 100 वर्ष तक पूरा अपना जीवन जी करके जाएंगे। ऐसा नहीं कि अचानक बीच में अकाल मरण हो जाए। हाँ, लोग जिसको अकाल मरण कहते हैं, ऐसा नहीं होगा। अविनाशा भवतु। दूसरा, व्यापार धंधा जो कुछ भी आपका चल रहा है ना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपकी धन संपत्ति नष्ट हो जाए, वो भी सब बराबर बना रहेगा। स्वस्ति, इसको यदि संस्कृत से वो निकालो ना, सु प्लस अस्ति निकलेगा, सु अस्ति, तो सु माने अच्छा, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होवे, वो तात्पर्य है। इसलिए लिखा भवतः अविनाशा भवतु, आपका अविनाश, अविनाशी। इसलिए हिंदी में अविनाशी शब्द से स्पष्ट ख्याल नहीं होगा, इसलिए कल्याण शब्द दिया, अविनाशी कल्याण हो, माने तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे कल्याण की भावना भा रहे हैं। इति अविधेयम् प्रतिपाद्यते। ये स्वस्ति शब्द का जो अविधेय है, स्वस्ति शब्द का जो कथन किया था उसका वाच्य, उसका अर्थ, उसका भाव यह है। इति प्रतिपाद्यते, ऐसा वो अविधेय जब प्रतिपादित करता है, किसने प्रतिपादित किया, दोनों भाषाओं को जानने वाले किसी अन्य ने या उन्हीं ने, जिसने कहा था उसी ने जब ऐसा प्रतिपादन किया। अब तीसरा दृश्य तो क्या हुआ, तदा सद्य एव उद्यत अमंद आनंदमय अश्रु झलज्झलोचन पात्र तत्प्रतिपद्यत एव। तो कैसे समझ में आता उसको, और उसे समझ में आया, ये हमको भी समझ में आना चाहिए, ये कैसे समझ में आया उसे। तदा सद्य एव, ऐसा सुनते ही, क्योंकि ब्राह्मण देवता ने आशीर्वाद दिया है और उनका आशीर्वाद निश्चित रूप से फलता है, इसलिए वो सुनते ही तदा सद्येव, तत्काल ही उद्यत अमंद आनंदमय अश्रु झलत झलल लोचन। वर्णन भी करते हैं तो अमृतचंद्र आचार्य कैसा बने, बिल्कुल चित्र सामने खड़ा कर दिया हो, आंखें कैसे हो गई झलत झलल लोचन, झर झर आंसू बह रहे हो अश्रु, लेकिन वह अश्रु किसके हैं, आनंदमय, और आनंद भी कितना अमंद, हाँ, उद्यत प्रकट हुआ है अमंद आनंदमय अश्रु, बहुत आनंद जिसके अंदर प्रकट हुआ, और उसके कारण से झलत झलल लोचन पात्र, हाँ, ये आँखें की पात्र क्या हो गई, भर गई और झरने लगा उसमें से, और ऐसा होते हुए पात्र तत्प्रतिपद्यत एव, स प्रतिपद्यत एव, वह समझ ही जाता है। ये जो है ना लोचन पात्र स, उसके ऐसा पात्र होते हुए माने आँखों से आनंद के अश्रु झरने लगे और वह तत्काल ही उस बात को समझ गया। इतना लंबा दृष्टांत घटित किया, कितनी बात समझाने के लिए, वो भाषा समझता नहीं था और उसे जब तक उसकी भाषा में नहीं कहा गया तब तक बात समझ में नहीं आई, और जब उसकी भाषा में कहा गया तो बराबर समझ गया, बस वैसे ही। अब ये सिद्धांत प्रघटित करते हैं। तथा किल लोको अपि आत्मा इति अभिहिते सति यथा अवस्थित आत्मस्वरूप परिज्ञान बहिष्कृतत्वात् न किंचिदपि प्रतिपद्यमानः मेष इव अनिमेष उन्मेषित चक्षु प्रेक्षत एव। उसी प्रकार लोकापि, जो सामान्य जन मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जो आत्मस्वरूप को नहीं जानते हैं, उन सबको यहाँ लिया, लोक वे भी कैसे हैं, उन्हें आत्मा इति अभिहिते सति, उन्हें कहा जाए आत्मा को जानो, आत्मा आप सब आत्मा हो, इति अभिहिते सति, ऐसा कहा जाने पर
यथा अवस्थित आत्मस्वरूप परिज्ञान बहिष्कृतत्वात्, जैसा आत्मा का स्वरूप है, यथा अवस्थित जैसा है ऐसे आत्मस्वरूप के ज्ञान से बहिष्कृत, वो जानते ही नहीं। मुमुक्षुओं के बीच में जाकर के आपको प्रवचन करना आसान है, जहाँ स्वाध्याय निरंतर होता है वहाँ जाकर के प्रवचन करना आसान है, और जहाँ स्वाध्याय होती नहीं है वहाँ जाकर के प्रवचन करना कठिन है। मैं तो नहीं कर सकता हूँ। मोक्ष मंडल में जाए तो बिना मेहनत के आराम से प्रवचन कर सकते हो, और जहाँ स्वाध्यायी नहीं है ऐसी जगह जाओगे तो मेहनत करना पड़ेगी प्रवचन करने के लिए। निदा मोक्षों को सूक्ष्म चर्चा निकाल करके समझाना करना, वहाँ मेहनत करना पड़ेगी, अन्यत्र तो स्वाध्यायी नहीं, उन्हें कुछ भी सुनाओ तो उन्हें तो सारी बातें आप समझा सकते हो, कुछ भी कहो उनके लिए तो नई बात है, क्या मेहनत करना, जा करके बैठो कोई भी समझा दो। लेकिन उनसे एक शब्द कहोगे वो शब्द को भी आपको पहले समझाना पड़ेगा, वो क्यों समझते ही नहीं है। यहाँ धड़ाधड़ बोलते जाओ बराबर स्वाध्याय है तो सब समझ में आता है कि समझ सकते हैं, अब वहाँ जाकर के आत्मा आत्मा कहते रहो पूरा प्रवचन तो क्या समझ में आया, वो आत्मा क्या होता है। वैसे ही होगा फिर रात भर रामायण पढ़े और सुबह उठ करके पूछे सीताराम की कौन थी, वो ऐसे ही होगा, फिर समझते नहीं। ऐसे म्लेच स्वाध्यायी न करने वालों को म्लेच मत कहना। लोग कहाँ आप ही ऐसा लोग, ऐसी लोग की स्थिति है न स्वाध्याय करने वालों की, लेकिन गुरुदेव के कारण से स्वाध्यायी तो आत्मा कहना सुनना सीख ही गए, लेकिन उनके निमित्त से दूसरों को भी आत्मा कहना पड़ रहा है और समझाना पड़ रहा है। ये माल यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर सब दूसरी जगह चले जाएंगे, जहाँ वो माल मिलता है वहाँ जाएंगे, तो नहीं यहाँ भी ये माल मिलता है, यहाँ भी आत्मा की चर्चा होती है तो आत्मा की चर्चा करना पड़ी। तो जो आत्मा शब्द से अपरिचित है, उसके स्वरूप से अपरिचित है, बहिष्कृतत्वात् न किंचिदपि प्रतिपद्यमाना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझने की जिज्ञासा होने के कारण से मेष एव अनिमेष उन्मेषित चक्षु प्रेक्षत एव, आज तो अपन टीका पूरी कर रहे हैं, कल आपको अनुशीलन में से 5 लब्धि इसमें से निकाली है, सम्यक तो प्राप्ति की 5 लब्धियाँ, वो कैसे निकलती हैं आप देख करके आना उसमें से। ये मेष एव उन्मेषित चक्षु इसमें से निकाली एक 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 लब्धि अलग अलग। अब यदा तु स एव व्यवहार परमार्थ पथ प्रस्थापित सम्यक बोध महारथिना अन्नेन तेनैव वा, या जो स शब्द आ रहा है ना, ये स शब्द तो वो जिसे समझाया जा रहा है उसके लिए है। यदा तु स एव लोकः, ऊपर में था स एव म्लेच्छः, वही लोक कब समझेगा कैसे समझेगा, कि जब व्यवहार परमार्थ पथ प्रस्थापित सम्यक बोध महारथ रथिना, रथी सारथी, सबसे बड़े सारथी कौन थे मालूम है ना, कृष्ण जी थे, जिन्होंने अर्जुन के रथ को चलाया था वे सारथी, सारथी नहीं करे है महारथी। कौन है महारथी, कि जो सम्यक ज्ञान रूपी रथ को चलाते हैं, कहाँ चलाते सम्यक ज्ञान रूपी रथ को, व्यवहार परमार्थ पथ प्रस्थापित, वो जो सम्यक ज्ञान रूपी रथ है, सम्यक बोध महारथ, सम्यक ज्ञान रूपी महारथ जो कि निश्चय व्यवहार के पथ पर स्थित है, माने निश्चय व्यवहार के पथ पर चलता है, तो दोनों पथों पर चलाने में जो रथी है, चलाने में जो प्रवीण है, तो सम्यक ज्ञान रूपी रथ को निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग पर दोनों पर प्रस्थापित चलाने में जो प्रवीण है, ऐसे अन्येन ते नैव वा, जिन्होंने आत्मा कहा था उन्हीं के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा, वे स्वयं तो
सम्यक ज्ञान रूपी रथ को निश्चय व्यवहार मार्ग पर चलाने के लिए महारथी है ही, लेकिन जो दूसरा है वो भी ऐसा होना चाहिए, निश्चय व्यवहार मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी रथ को चलाने में समर्थ होना चाहिए। ऐसे वो समर्थ उसी के द्वारा किसी अन्य के द्वारा व्यवहार पथम आस्थाय, दोनों में चलाने में प्रवीण है, लेकिन अब क्या किया उसमें से व्यवहार पथ का आलंबन लेते हुए, व्यवहार पथम आस्थाय, व्यवहार में स्थित होते हुए व्यवहार का अवलंबन लेकर के क्या समझाया, दर्शन ज्ञान चारित्राणि अतति इति आत्मा, जो दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो वो आत्मा। आत्मा क्या होता है, जिसमें दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। अब दर्शन ज्ञान चारित्र भी नहीं आए तो ये समझाना पड़ेगा, जो देखता है, जानता है, सुख दुख का वेदन करता है, ये जो संचेतन चल रहा है। आत्मा कहने पर जानने की जिज्ञासा हुई, जिसे जिज्ञासा हुई, श्रीमद् जी का छंद है ना, आत्मानी शंका करे आत्मा पोतेज आप, शंका नो करनार ते ये अचरज अमाप। ये आत्मा कौन, कैसा, कहाँ है, कहले ये जिसे शंका हो रही है, वो जो शंका करने वाला है वही तो आत्मा है, स्वयं जिसे शंका हो रही वही तो आत्मा है। तो ये जिज्ञासा हो रही है तो जानने की, तो जानना ये ज्ञान, देखना या उसका विचार करना इस दर्शन, और उस पर लीन होना ये चारित्र। अभी तो यहाँ संक्षेप में कह दिया दर्शन ज्ञान चारित्राणी, वो दर्शन ज्ञान चारित्र का भी स्वरूप समझाया जा सकता है। इनको जो प्राप्त हो आत्मा, जिसमें दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं वो आत्मा, इति आत्मपदस्य अविधेयम् प्रतिपाद्यते। ऐसे आत्मपद का, आत्मा का जो वाच्य है, उस वाच्य का जब प्रतिपादन किया जाता है तब क्या हुआ, तदा सद्य एव उद्यत अमंद आनंद अंतः सुंदर बंदुर बोध तरंगः तत् प्रतिपद्यत एव। वहां तो क्या हुआ था, अश्रु बहने लगे थे, यहां क्या हुआ, उद्यत अमंद आनंद, अंतरंग में अत्यंत आनंद हुआ और उसके कारण से यहाँ सुंदर बोध तरंगे, ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ ना, तो ज्ञान की तरंगे उछलने लगी, ज्ञान से रोमांचित हो गया वह, सम्यक ज्ञान से अत्यंत आनंद अंतरंग में होने के कारण से सम्यक ज्ञान रूपी तरंगे अंदर में उछलने लगी। आंखों से आंसू बहने का काम नहीं, भावुकता का काम नहीं है, अंतरंग में आनंद प्रकट होने का कार्य है, इसलिए अंतरंग में आनंद प्रकट हुआ और तत्प्रतिपद्यत एव, तब उसने आत्मा को जान लिया। और जब सचमुच में आत्मा का भेदाभेदात्मक ऐसा स्वरूप, भेद से उस आत्मा को समझ करके अंतरंग में सम्यक ज्ञान की तरंग और सम्यक ज्ञान के साथ आनंद की तरंग, क्योंकि ज्ञानानंद ज्ञान के साथ अतींद्रिय आनंद जुड़ा हुआ है सम्यक ज्ञान के साथ, तो वो तरंग उत्पन्न हो, और जब ऐसा सम्यक दर्शन पूर्वक अतींद्रिय आनंद हो तब समझ लेना वास्तव में आत्मा समझ में आया। तो जब तक ये नहीं हुआ तब तक वास्तव में आत्मा समझ में आया नहीं है। एवं म्लेच्छ स्थानीयत्वात् जगतो व्यवहार नयोपि म्लेच्छ भाषा स्थानीयत्वेन परमार्थ प्रतिपादकत्वात् उपन्यसनीयः अथ च ब्राह्मणो न म्लेच्छितव्या इति वचनात् व्यवहार नयो नानुसर्तव्या। ये दोनों बातें कह रहे हैं, आपने कहा था ना परमार्थी ये कहना चाहिए था कि नहीं नहीं व्यवहार भी कहना जरूरी है। अच्छा व्यवहार कहना जरूरी है तो अब तो व्यवहार का अनुसरण करें ना, के लिए नहीं, तब भी भले ही कहा गया है फिर भी व्यवहार नहीं का अनुसरण नहीं करना। इस पैराग्राफ की और विशेष चर्चा करेंगे, आवश्यक भी कैसे हैं और अनुसरण भी कैसे नहीं करना, उस उदाहरण को भी इसमें लगाया गया है। कल आपको पंचलब्धि इसमें भी दिया हुआ है, अनुशीलन में यहाँ भी नीचे दिया हुआ है, इसके माध्यम से चर्चा करके नवीं दसवीं गाथा प्रारंभ करेंगे।
आश्चर्य होगी ना बात। कल रविवार है और